जम्मू में पीएचयू में अन्य दिहाड़ीदारों ने किया जोरदार प्रदर्शन, कई घंटों तक सड़क मार्ग रहा बंद। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सड़क मार्ग खुलवाने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी किया, जिसमें कुछ दिहाड़ीदारों को चोटें भी आई। प्रदर्शनकारियों ने सड़क मार्ग पर ही बैठकर कई घंटों तक अपना प्रदर्शन जारी रखा। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी दिहाड़ीदारों खुद को स्थायी करने की मांग के साथ साथ रुका हुआ वेतन जारी करने की मांग कर रहे हैं। वह लंबे समय से धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। रायबरेली कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, 40 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे रायबरेली के कर्मचारी लगातार अपने प्रदर्शन को रोक दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। रायबरेली के कर्मचारी खुद को स्थायी करने और अपना प्रोबेशन काल को 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं। जिला रामबर की बलिहो तहसील में दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। जानकारी के मुताबिक घर के अंदर जलाए गए कोयले से निकली जहरीली गैस की वजह से हुई ये मौत। भारत जोड़ो यात्रा के चलते राहुल ने पुलवामा हमले के घटनास्थल पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी समेत अन्य लोगों ने पुलवामा हमले में घटनास्थल के लेथपोरा में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी को महबूबा मुफ्ती और प्रियंका का मिला समर्थन। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर के पुलवामा में पहुंचने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ यात्रा में शामिल हुई। रामबन में सेना द्वारा 5 दिवसीय गणतंत्र समारोह का समापन आज धर्मांत बटोत के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में हुआ। इस अवसर पर छात्रों द्वारा देशभक्ति पर गीत और कविता सहित एक संस्कृत कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें कई सारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिसमें डिप्टी कमिश्नर CISF डी ब्रिगेडियर सुनील कुमार सोल मुख्य अतिथि रहे। जीपी सिंह हो गए असम के नए DGP, SPG और NIA में दे चुके हैं सेवाएं। वेस्ट बंगाल में हुआ हादसा, बारातियों से बरी कार पुल से गिर, 4 की मौत, कई अन्य घायल। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में बारातियों की एक कार पुल से गिर गई, उसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल बताए जा रहे हैं। ये जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी।